कोचो, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? आज आपका सीए एंड सीएमए इंटर का रिजल्ट आ चुका है। आप में से बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं एंड बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। पहले मैं अपने उन बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो बच्चे अपने स्टेज को क्लियर किए हैं और अगले स्टेज में जाने के लिए वो पूरे जोश के साथ तैयार हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक ग्रुप निकाला चाहे दोनों ग्रुप निकाला, आपको आपको अब आगे ही बढ़ना है। आपके लिए कोई दूसरी स्ट्रेटजी नहीं है, आप अपने फाइनल की या अगले ग्रुप की तैयारी करेंगे। आज मेरे आने का मेन मकसद अपने उन बच्चों के साथ खड़ा होना है जो बच्चे किसी रीजन से आज फेल हो गए हैं। पहले तो आपको बता दूं कि मेरे बच्चे, फेल होना पास होना हमारे जीवन में लगा रहेगा, और सिर्फ इस डिग्री में ही नहीं, हम जब आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में अभी बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां पे कभी फेल कभी पास, कभी फेल कभी पास। तो आप डीमोटिवेट ना हो, और आपके चेहरे पे जो इतनी मासूमियत छाई हुई है कि दुनिया क्या बोलेगा, दोस्त क्या बोलेंगे, उनको नजर कैसे दिखाएंगे, उनको पापा मम्मी को क्या समझाएंगे, इन सारी बातों को निकालो। पहले बता दूं आपको, आज जितने सारे इंसान नजर आएंगे वो सभी कभी ना कभी फेल या कभी ना कभी पास हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो मतलब सब कुछ खत्म हो गया उनके लिए, ना, ऐसा थोड़ा ही होता है। फेल होने का मतलब आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए थी शायद हम उतनी मेहनत नहीं कर पाए, या फिर हमने मेहनत तो किया, कहीं कुछ कमी रह गई कुछ स्ट्रेटजी में, कुछ तरीके में, तो आप उसको ओवरकम करेंगे और जिस डिग्री को आपने एक बार ऑप्ट किया है इसको पाने की पूरी कोशिश करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। आज मैं आपके पास आया हूं आपके लिए अगला स्टेप क्या होगा, आपकी वो स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए उन बच्चों को जो बच्चे फेल हो गए हैं इस आपका सीए सीएमए इंटर के अंदर में। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से मैंने कुछ बातें लिखी हुई है, रिजल्ट आपका पास हो गया, एक ग्रुप दिया था, दोनों ग्रुप दिया था, बहुत अच्छी बात है। मैं आप सबको कॉन्ग्रेट्स करता हूं और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें, बस यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसको छोड़ते हैं, मैं यहां पे आता हूं। अगर आप फेल हो गए हैं तो या तो आपने एक ग्रुप में अपीयर किया था, आपका ग्रुप वन में या ग्रुप टू में, और आप फेल हो गए, एक ग्रुप में अपीयर किया था, या फिर आपने दोनों ग्रुप अपीयर किया था। तो पहले मैं बच्चे इनकी बात करूं जिन्होंने आपके सीए या सीएमए इंटर के ग्रुप वन का एग्जाम दिया था। जो बच्चे पहले से एक ग्रुप पास हो चुके हैं, दूसरे ग्रुप में फेल हुए, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, उनको एग्जाम तरीके से दोबारा देना है, मेहनत दोबारा करना है और वो पास हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। आपको भी विश्वास होना चाहिए, चाहे भले दुनिया को विश्वास हो या ना हो। मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी अभी आपका सिर्फ एक ही ग्रुप एग्जाम दिया है और वो अब आगे क्या करे, वो फेल हो गए। मेरे बच्चे, तीन तरीके का दिमाग में सवाल आता है, या तो जिस ग्रुप में मैं फेल हुआ था उसी ग्रुप का दोबारा मैं तैयारी करूं और मैं रिजल्ट को पास कर लूं अगली बार, या फिर जो मैंने ग्रुप में फेल हो गया कोई बात नहीं, इस ग्रुप को छोड़ो, अब मैं अगले ग्रुप की तैयारी करूंगा। क्योंकि कई सारे बच्चे अपना ट्यूशन, अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे ग्रुप वन के बाद ही, और वो अब क्या कर रहे होंगे जी, आपका सेकेंड ग्रुप की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे वो सोच रहे होंगे कि हाँ, ग्रुप वन छोड़ो, बाद में दे देंगे, हम ग्रुप टू जो अभी तैयारी कर रहे हैं हम उसका एग्जाम दे देंगे। या फिर तीसरा केस हो सकता है कि चलो दोनों ही ग्रुप की हम तैयारी करते हैं, वन तो तैयारी कर ही चुका हूं मैं, थोड़ा सा रिविजन कर लूंगा, ग्रुप टू को कर लूंगा और दोनों ग्रुप एक साथ निकालूंगा, और हाँ, दुनिया को दिखाऊंगा अभी कि दोनों ग्रुप, एक बार पिछली बार फेल हुआ था ना, इस बार दोनों ग्रुप करके मैंने एक साथ दिखा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों ही स्ट्रेटजी जो हमने आपके लिए लिखी हुई है, ये आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। चाहे तो आप उसी ग्रुप का एग्जाम दो जिसका आपने एग्जाम दिया था, या फिर आप अगले ग्रुप की तैयारी करो, पिछले ग्रुप को हम बाद में देख लेंगे, या दोनों ग्रुप की तैयारी कीजिए। लेकिन ये सजेशन कौन देगा वो कोई नहीं बता सकता। जनरली हम अपने दोस्त को, या मेरा कोई दुश्मन या दोस्त पास हो गया तो मैं ऐसा काम करूंगा, वैसा स्ट्रेटजी लूंगा, वो ठीक नहीं है। आप अपनी सेल्फ एनालिसिस करो कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी एफिशिएंसी क्या है। ग्रुप वन जो आपने दिया था, अगर आप उसमें फेल हो गए हैं तो क्या मेरा उतनी तैयारी थी कि उस ग्रुप के साथ साथ अगले ग्रुप को भी मिलाकर मैं दोनों ग्रुप निकाल लूंगा। ये आपको जजमेंट लेना है, ये आपको जज करना है मेरे बच्चे।
या फिर ये अच्छा होगा कि जिस ग्रुप में मैं फेल हुआ उसको और अच्छी तरीके से तैयारी करके पहले एक बार ग्रुप वन को निकाल दूं। ये सारे डिसीजन जो होते हैं हम खुद लेते हैं, हम किसी और की बातों में आकर या मेरा दोस्त ऐसे कर रहा तो मैं भी वो करूँगा, ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाता इन प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में। आप देखो ना, देखो मैं अगर आपके जगह रहूँ तो क्या सोचूंगा, ग्रुप वन का मैंने एग्जाम दिया था, फेल हो गया 6-8 नंबर से, क्या मैं अगली बार दोनों ग्रुप दे दूं, यानी कि पहले ग्रुप का मैं रिवीजन करूं और दूसरे ग्रुप की तैयारी करूं, क्या मेरी इतनी कैपेसिटी है? अगर हाँ तो मैं ये करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यार मैं इतनी कैपेसिटी मेरी नहीं है, इतनी एफिशिएंसी मेरी नहीं है, इतना मैं नहीं पढ़ सकता। तो एक ही ग्रुप जिसका मैंने एग्जाम दिया था पहले, मैं उसी को बेस्ट तरीके से तैयारी करूंगा और उसको मैं पास करूंगा, ये मेरी स्ट्रेटजी होगी। शॉर्ट में मुझे लगता है कि ग्रुप वन मेरे लिए दोबारा देना ठीक रहेगा, वही मैं दूंगा, दूसरे ग्रुप की तैयारी नहीं। सर दूसरे ग्रुप की तैयारी स्टार्ट कर चुका हूं, ट्यूशन लेना शुरू कर चुका हूं, क्या करूंगा? कोई बात नहीं, ट्यूशन जो आपने लिया बच्चे वो आगे भी जा सकते हैं, अपने टीचर से बात कीजिए, वो आगे पोस्टपोन कर सकते हैं कि ठीक है अगली बार आप इसको कवर कर लेना, लेकिन ट्यूशन स्टार्ट कर चुके हो, पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हो, इसलिए दोनों ग्रुप इस पर साथ दे देंगे वो ठीक नहीं होता। आप एनालिसिस कीजिए आपके लिए बेस्ट क्या है और वही आप काम कीजिए। आपको लगता है कि नहीं जी मैंने क्या किया कि अब ग्रुप वन तो फेल हो गया, ग्रुप टू की अच्छी तैयारी कर ली है इतने 3-4 महीने के अंदर में, अच्छी मतलब बहुत अच्छी तैयारी, और मेरी आत्मा कह रही है कि मैं ग्रुप टू निकाल लूंगा। तो यहां पे मेरे बच्चे आपको देखना है कि ग्रुप टू की अगर बेस्ट प्रिपरेशन कर चुके हैं तो ठीक है ग्रुप टू दीजिए, उसके साथ ग्रुप वन भी दे दो कि नहीं दो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगेन आप दिमाग से काम कीजिए, यहाँ पे जोश से काम नहीं करना होता है। तो मैं अब अपना बता रहा हूं मैं क्या करूंगा, ग्रुप वन जो मैं फेल हो चुका हूं वो 100% तैयारी कर लिया था, 2-4 नंबर से बच गया, कोई बात नहीं, इस बार मेहनत करके उसको निकाल दूंगा और दूसरा ग्रुप बाद में दे दूंगा। या फिर मैं इतने टाइम पीरियड के बीच में ग्रुप टू की पूरी तैयारी कर चुका हूं या 90% 80% तक तैयारी कर चुका हूं और ग्रुप वन में मेरे कुछ कम मार्क्स आए थे तो भी तो मैं दोनों ग्रुप देना प्रेफर करूंगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर ग्रुप टू का 80-90% की तैयारी ऑलरेडी कर चुका हूं और ग्रुप वन में कुछ नंबर से मैं फेल हुआ था तो मैं प्रॉपर तरीके से प्लान करके दोनों ग्रुप देना प्रेफर करूंगा। लेकिन ग्रुप वन में बहुत कम मार्क्स आए थे, बहुत कम मार्क्स, और ग्रुप टू की तैयारी भी मैं करना शुरू कर चुका हूं तो मेरे बच्चे यहां पे हार्ड डिसीजन लूंगा, एक ग्रुप यानी ग्रुप टू को रोकूंगा और ग्रुप वन जो है उसी को बेस्ट तरीके से तैयारी करके पहले मैं उसको निकालूंगा। यही तरीका फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये कौन सा डिसीजन लेना है कौन सा नहीं आप डिसाइड कीजिए, मेरा काम सिर्फ आपके अंदर में क्या दिमाग में चलना चाहिए डिसीजन लेने के टाइम पे वो बताना है। बच्चे कई बार देखा गया है, मैंने अक्सर देखा कि कई सारे बच्चे जोश में आके दोनों ग्रुप दूंगा मैं, जो होगा देख लूंगा, और एग्जाम आते आते वो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि पहला ग्रुप भी फेल हो गया, दूसरा ग्रुप भी आपका यहाँ पे ठीक से तैयारी नहीं हुआ, दोनों ग्रुप की तैयारी कैसे करो, काम खराब हो जाता है। आप ऐसा नहीं करना, जिस पे बेस्ट हो उसी को पहले निकालो, ठीक है ना। जो बच्चे दोनों ग्रुप को दिए थे और दोनों ही ग्रुप में फेल हो गए, पास हो गए एक ग्रुप में, अच्छी बात है, फिर दूसरे की तैयारी कीजिए, फिर आपके लिए कुछ डिस्कशन का पॉइंट बनता नहीं है। लेकिन अगर आपने दोनों ग्रुप में आप अपील किए थे, दोनों में फेल हो गए, तो उस केस में मेरे बच्चे क्या मैं अब फिर से दोनों ग्रुप की तैयारी करूं या किसी एक ग्रुप पे फोकस करूं? यहां भी बहुत अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपको अपने दिमाग को यूज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि दोनों ग्रुप में 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 नंबर से कम है लेकिन आपने अच्छी मेहनत की है तो दोनों ग्रुप दोबारा दीजिए। लेकिन मेरे बच्चे अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम है किसी भी ग्रुप में या दोनों ग्रुप में, तो मैं एडवाइज करता हूं कि आप एक ही ग्रुप को पहले आप तरीके से तैयारी करें, आप उसको निकालें और फिर अगले ग्रुप की तैयारी करें। लाइफ बहुत बड़ी है, सच्ची बता रहा हूं, और आना जाना, पास होना, आपका फेल होना, ये लगा रहेगा, इससे ना तो लाइफ रुकेगी ना कुछ और होगा। हाँ, पापा मम्मी की आंखें जब हमारे सामने से गुजरेंगी तो वो आंखें चुभती हैं हमें कि यार पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे अंदर से, सोचने दो ना। अरे आज सोचने दो, कल उनके चेहरे पे हंसी लाना पास करके। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग्स अपने अंदर रखें और आप प्रॉपर तरीके से प्लान करें। मुझे और आपको दोनों को विश्वास है कि आप अगली बार ग्रुप को निकालेंगे। चलिए मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज समय आप सबको सोचने का है, जो बच्चे हमारे पास हुए हैं उनको खुशी सेलिब्रेट करने का है, जो बच्चे फेल हुए हैं
उनको बस अपने आप को संभालना है, और जहां भी निकलो बाहर में, जहां भी निकलो बस सबको हंसते हंसते बताना कि हाँ मैं फेल हुआ हूं, हुआ हूं मैं फेल, लेकिन अगली बार पास करके दिखाऊंगा, है ना। ये नहीं कि आप कहीं पे छुप गए हो, आप सोच रहे हो कि अब तो मैं आत्महत्या ही करूंगा, सुसाइड करूंगा, ये सब बातें तो बुजदिल करते हैं। आप जानते हैं इस बात को, मेरे साथ जुड़ने वाले बच्चे बुजदिल नहीं होते, ना आप हैं। दुनिया को दिखाएंगे बोल कर नहीं, अगली बार पास होकर। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसके आगे की बातें आपके साथ करने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, आपके प्रोफेशनल लाइफ को प्रॉपर तरीके से सक्सेस के पाथ पे लाने के लिए हम लोगों ने आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं, CA, CMA, CS और आपके जो स्कूल के बच्चे हैं उन सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पे एक्सक्लूसिवली हम सिर्फ और सिर्फ आपके डिग्री से जुड़ी हुई बातों को डिस्कशन करेंगे, जहां पे आपसे जुड़े हुए जो डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट मॉक टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज एंड फुल कोर्स वाइज हम आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम उसका सजेस्टेड आंसर जो होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना सेल्फ जजमेंट कर पाए कि अभी आपकी तैयारी किस लेवल पे है और कितनी करनी है। यही नहीं बच्चों, इंडस्ट्री में अगर एक अच्छा प्रोफेशनल जो जॉब पाता है उसके लिए कौन कौन से उसके अंदर में एट्रीब्यूट यानी कि क्वालिटीज होने चाहिए, हम उनके बारे में भी आपसे बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे। इंडस्ट्री में जो लोग प्लेस्ड हैं या जो प्लेस होने वाले हैं या जो अच्छे जगह पे अभी रैंक लेकर आए, हम उनसे डिस्कशन करके उनके एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंडस्ट्री एक कौन कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर चाहती है एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के बाद, हम स्टार्टिंग से नए तरीके से आपके साथ डिस्कशन करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। बिलीव कीजिए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें होंगी और किसी की बातें नहीं होंगी। तो अपने प्रोफेशन को आप वजन दीजिए, आप उसके तरफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े, लाइफ को सक्सेस की तरफ लेके चले, जल्दी से जल्दी सक्सेस को पाए और लाइफ को एक अच्छे जगह पे पहुंचाए, अपने सारे सपनों को पूरा करें। इसी मकसद से मेरे बच्चे, मैंने और आपने दोनों ने मिलके कुछ मेहनत करना है, उन्हीं चीजों को इन ग्रुप में आपको बताया जाएगा। आप जुड़े हमारे साथ, बिलीव कीजिए सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई की बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी और कोई फालतू डिस्कशन नहीं। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू जी।